जरूरत नहीं है, आईपीएल है तो बोले प्रोग्राम जल्दी कर दो, इज्तिमा में कोई आएगा नहीं ना। सो यहाँ तो वो स्टार्स की बात होंगी जिसके पीछे हमको चलना ही नहीं, बात करके क्या करेंगे, हमको तो किसके पीछे जाना है उनके लिए। हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, माँ बाप को छोड़ सकते हैं, उनकी खिदमत छोड़ सकते हैं, तालीम छोड़ सकते हैं, दीनी इज्तिमा छोड़ सकते हैं, भाई बोलो तो ज़िंदगी छोड़ देंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं छोड़ सकते। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी गेम की, बट मैं बताना चाह रहा हूँ हर चीज़ का एक दर्जा होता है, वहाँ रखे तो अच्छा है। माँ बाप का एक दर्जा है, रब का एक दर्जा है, नबी का एक दर्जा है, माँ बाप का एक दर्जा है, रिश्तेदारों का है। आप उठा के इधर से उधर कर देंगे, नहीं अम्मी अब्बा बोले शिरक करो तो मैं अल्लाह से ऊपर नहीं कर सकते ना, उनको बोलना पड़ेगा नहीं आपकी बात नहीं मान सकते क्योंकि अल्लाह रसूल ने नहीं बोल दिया शिरक का, तो मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दर्जा है ना, दर्जों में रखो खेल कूद को तो ठीक है, लेकिन यहाँ ये हदीस जो बता रही है इस पर गौर कीजिए, अलमरु मा मन हब, इंसान उसके साथ जिससे वो मोहब्बत करता था। बहुत सीरियस केस है, हम सोचने का है कि अब जिससे मेरी मोहब्बत है मैं उसके साथ रहूँगा, अब किससे मोहब्बत है जाँच ले और आज अपने आप को बदल दे कि नहीं मेरी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से है, रसूल और उसके सहाबा से है। और मोहब्बत का तकाजा क्या है, क्या है, जब किसी को पसंद करते हो तुम दुनिया में तो उस जैसा होना पसंद करते हो ना। बालों के स्टाइल देखिए हमारे कुछ नौजवानों, स्पाइक कट पूरे कांटे बनाया पूरे सर के अंदर होता है ना, स्पाइक कट बोले क्यों, तो मेरा हीरो, मेरा स्पोर्ट्स स्टार, मेरा फुटबॉलर, मेरा क्रिकेटर स्पाइक कट बनाता है तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, इसी को बोलते हैं इताअत। तो जिससे इंसान मोहब्बत करता है उस जैसा होना चाहता है, समझिए, तो जो नबी से मोहब्बत करता है वो नबी के खिलाफ नहीं जा सकता, नबी जैसा होना चाहेगा, समझना। जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो सहाबा के खिलाफ नहीं जाएगा, सहाबा जैसा बनेगा, शक्ल सूरत हुलिया काम लेन देन मामलात सारी चीज़ों के लिए उससे समझना होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा, होगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी मोहब्बत फुसफुसी है, ढकोसला है, झूठी है, जांचने की ज़रूरत है और अपने आइडियल्स बदलने की ज़रूरत है। चूँकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान ने फरमा दिया लखद कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुल हसना, ऐ मुसलमानों तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है, याद रखिए, ठीक है। तो लिहाजा हमें किसको हम फॉलो करते हैं बहुत ख्याल रखना है नौजवान। इसी तरह आज हम देखते हैं